इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो कि कैलिफोर्निया में रहा करते थे। वाइफ का नाम मैंडी होता है और हस्बैंड का नाम निकोलस। ये समय भी काफी पुराना था जहाँ पर लोग बंकर्स बनाकर रहा करते थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ काफी अच्छी तरीके से गुजार रहे होते हैं। उन्हें ना तो ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत थी और ना ही अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी। वो दोनों को सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए था जो कि वो दोनों बखूबी निभाते थे। अब हमें यहाँ पर मैंडी और निकोलस एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। मैंडी तो निकोलस से शेयर कर रही थी कि उसका बचपन बहुत ही बुरी तरीके से गुजरा है। उसने ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की हैं जो किसी नॉर्मल इंसान सह नहीं सकते, क्योंकि उसके पूरे फैमिली मेंबर्स बचपन में ही मारे गए थे और उसने अपना आधे से ज्यादा जीवन इसी तरीके से अकेले गुजारा है। निकोलस भी अपनी कई सारी बातें मैंडी से शेयर करता है क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके थे। वो कुछ भी बातें एक दूसरे से छुपाते नहीं। हमें ये भी पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ सिगरेट पीते थे और अजीब तरीके के ड्रग्स लेते थे। ये अजीब तरीके का ड्रग उस समय में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था, जिसे कि कंज्यूम करने पर वो अजीब तरीके के विजन्स दिखाता जो रियलिटी लगते। अब इसी तरीके से कन्वर्सेशन करने के बाद रात के समय वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन अब मैंडी जंगल की तरफ जा रही थी कुछ खाने का सामान लेने के लिए, तभी उसके सामने से एक गाड़ी गुजरती है जो कि वो कल्ट के मेंबर थे जिनका नाम न्यू डाउन होता है। दरअसल ये कल्ट के मेंबर चारों तरफ अपनी कम्युनिटी को बढ़ाते और लोगों के अंदर डर फैलाते। उस कल्ट मेंबर का लीडर जिसका नाम जेरी होता है, जब उसकी नजर मैंडी पर गई तब वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुका था। जेरी को लगने लगा कि शायद मैंडी उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है और अब वो उसे बहुत ज्यादा चाहने लगा है। इसीलिए जेरी के अब चारों तरफ मैंडी दिखाई देने लगी थी और वो उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। जेरी अब सीधा अपने घर पर आ जाता है जिसकी पूरी फैमिली ही एकदम एंटीक थी। वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थे जो किसी भगवान या फिर गॉड की नहीं बल्कि काले जादू को फॉलो करते थे और शैतान की पूजा करते थे। जेरी तुरंत ही अपने घर में आकर आग बंद करके सोने लगा और बार बार उसके मन में मैंडी का ही ख्याल आ रहा था। जब उसकी मदर मैरलिन वहां पर आकर उससे पूछती है तो जेरी उससे कहने लगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मैंडी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग उसे मेरे लिए ला कर दो। मैरली एक बार और कंफर्म करती है कि आखिर तुम्हें वही लड़की चाहिए कि नहीं। जेरी कहता है कि मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। उसने तो अपने शॉन नाम के एक आदमी को अजीब तरीके का पत्थर दे दिया जो शायद किसी काले जादू से रिलेटेड हो सकता है और वो इन सारी चीजों में उनकी मदद करेगा। जेरी आराम से सोता रहा और वो सारे लोग निकल पड़े थे मैंडी का पता लगाने के लिए। मदर मैरलिन अब एक शॉप में आ जाती है जहाँ पर मैंडी काम किया करती थी। मैरलिन तो अब मैंडी से मिलकर काफी अच्छी तरीके से बातें करती है और बातों ही बातों में ये भी पूछ लेती है कि आखिर उसके घर का एड्रेस क्या है। अब पता नहीं मैंडी ने अपने घर का एड्रेस किसी अनजान औरत को बता दिया, जिससे कि अब मैरलिन को ये पता चल गया होता है कि आखिर वो कहाँ रहती है। इसीलिए वो चुपचाप अपना सामान लेकर वहाँ से चली गई। वहीं अब हमें दूसरी तरफ अंधेरे में शॉन दिखाया जाता है जिसके हाथ में वही डार्क पत्थर था और वो उसकी मदद से एक अजीब तरीके का साउंड बाहर निकालता है। ये कुछ ऐसा साउंड था जिससे कि वो किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा है इतने अंधेरे में। थोड़ी देर के अंदर ही अचानक वहाँ पर कुछ अजीब तरीके के कल्ट के मेंबर्स आ जाते हैं जिनकी पूरी बॉडी एकदम अजीब तरीके की थी और वो काफी डार्क लग रहे थे। शॉन अब पता नहीं उन सारे लोगों को जार में भरी हुई एक अजीब तरीके के लिक्विड प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि उस कल्ट के ग्रुप के लीडर ने पूरी तरीके से पी लिया और फिर कहने लगा कि मुझे इसके बदले खून चाहिए जो तुम मुझे ला कर दो, तभी मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा। शॉन ने इसकी तैयारी पहले से करके रखी होती है और उसने अपने ही एक ग्रुप के मेंबर को जान से मारकर उन्हें दे दिया, जिसकी बलि वो सारे लोग ग्रुप वाले मिलकर चढ़ा लेते हैं। जिसके बाद कल्ट के सारे ग्रुप के मेंबर सीधा चले गए थे मैंडी को किडनैप करने के लिए। अब उन्हें एड्रेस तो पता था, इसीलिए घर में घुसकर बिना किसी से डरे वो सबसे पहले निकोलस को बंदी बना लेते हैं और उसके हाथ में कीले मारकर उसे बांध देते हैं। निकोलस चिल्ला रहा था लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ सकता। वहीं अब कल्ट के ग्रुप के लोग मैंडी को पकड़ लेते हैं और उसे एक अजीब तरीके का ड्रग पिलाने लगते हैं। ये ड्रग इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैंडी को जरा भी होश नहीं होता और अब वो सभी लोग पता नहीं क्यों मैंडी के गले पर एक अजीब तरीके के इंसेक्ट से कटवा रहे थे। आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ये हमें थोड़ी देर में पता चली जाएगा। वो सभी लोग अब उनकी लीडर यानी कि जेरी के कहने पर मैंडी को पकड़कर उसके घर पर लेकर आ रहे थे। मैंडी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसे ड्रग का असर इतना ज्यादा अच्छे से हुआ था कि उसे अच्छे से कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो समझ भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के अंदर अब मैंडी और बाकी सारे लोग उसे जेरी के पास लेकर आ जाते हैं, जिसने की एक अजीब तरीके की कॉस्ट्यूम पहनकर रखी थी। इस पूरे कॉस्ट्यूम में वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था जो उसे और उसकी फैमिली को शुरुआत से ही काफी पावर्स देती आ रही थी। यहाँ पर जेरी ने भी कुछ अजीब तरीके के नशे किए हुए थे जिससे कि वो होश में नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सारी चीजें समझ में आ रही थी। उसने
उसने जब मैंडी को अपने ठीक सामने देखा तो वो समझ पा रहा था कि मैंडी मेरे ही बॉडी का हिस्सा है और वो कई साल पहले गुम हो चुकी थी। जेरी यहाँ पर जो काफी ज्यादा साइको टाइप का दिख रहा था वो अपने ही वर्ड्स में कहता है कि गॉड नाम का कुछ भी नहीं होता, जो है सिर्फ मैं ही हूँ और मैं सभी को ताकत देता हूँ। भले ये सारी बातें प्रैक्टिकल नहीं लग रही थी लेकिन जेरी को किसी बात पर कॉन्फिडेंस था कि यही चीज है जो मुझे सारे खतरों से बचा लेगी और अनलिमिटेड पावर्स देगी। जेरी अब यहाँ पर चाहता था कि वो मैंडी के साथ फिजिकली रिलेशनशिप में आए, पर मैंडी जो कि नशे के हालत में थी वो जेरी को काफी ज्यादा बुरा भला कह देती है। उसके कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि जेरी एकदम पागल है और उसके पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए। मैंडी इस बात से बहुत ही ज्यादा हंसने लगी जिसकी वजह से आसपास के सारे कल्ट के ग्रुप के मेंबर्स हंसने लगते हैं। जेरी को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो समझने लगा था कि मैंडी एक प्रोस्टिट्यूट है, उसे मर्दों के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है और अब वो उसके रिलेशनशिप को भी तोड़ देगा, यानी कि मैंडी और निकोलस का। जेरी तुरंत ही मैंडी को लेकर निकोलस के पास चला जाता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी वाइफ की रिलेशन बिल्कुल भी फेक है, मैंडी तुम्हें धोखा दे रही है और दूसरा कोई आदमी आने पर वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। यानी कि जेरी निकोलस को भड़का रहा था उसकी वाइफ के सामने ताकि वो उसे हमेशा के लिए छोड़ दे और फिर जेरी का फायदा हो जाए। हालांकि इतना फोर्स करने के बावजूद भी निकोलस जेरी पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ जेरी जो एकदम साइको होता है वो अपनी बहन के पास आ गया और निकोलस को बताने लगा कि मेरी बहन मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए वो अपनी जान तक दे दे। निकोलस ने तुरंत ही अपनी बहन को एक चाकू दिया जिससे कि वो अपनी जान ले ले, लेकिन वो अपनी जान लेने के बजाय निकोलस के पेट में चाकू मार देती है। यानी कि ये सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और सिर्फ लोगों को टॉर्चर करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जेरी को मैंडी के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसका मजाक उड़ाया होता है, इसीलिए जेरी ने तुरंत ही मैंडी को पकड़ा और उसे जिंदा ही जला दिया। निकोलस इस समय मरा नहीं होता बल्कि वो बेहोश होता है, लेकिन यहाँ मैंडी को बुरी तरीके से जलाने के बाद वो सारे कल्ट के मेंबर्स वहां से चले गए थे। मैंडी चिल्ला चिल्ला कर वहीं पर मर गई, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। थोड़े समय बाद जब निकोलस को होश आता है तो वो धीरे धीरे अपने आप को छुड़ा रहा था, लेकिन जब तक वो अपनी वाइफ के पास पहुंचता तब तक वो पूरी की पूरी जल गई, उसकी तो पूरी बॉडी जलकर राख में कन्वर्ट हो जाती है। निकोलस इतना बुरी तरीके से रोने लगा जैसे कि उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। वो तो किसी भी तरीके से घर पर आता है और वोडका पीने लगता है। उसके अंदर एक बदले की भावना जाग गई कि आखिरकार वो कल्ट के मेंबर्स मेरी वाइफ को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ ही थी जो उसकी लाइफ में एक मेंबर होती है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए उन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का डिसीजन कभी नहीं लिया, लेकिन अब ये कल्ट के मेंबर्स उसकी वाइफ को जिंदा जला दिए और उसे अलग कर दिया। निकोलस के अंदर एक बदले की भावना जागने लगती है और वो काफी अजीब तरीके से रोता है, साथ ही साथ वो चिल्ला भी रहा था और हाँफ भी रहा था। थोड़े समय तक दुखी रहने के बाद निकोलस ने ये डिसाइड किया कि वो कल्ट के मेंबर्स और उनके लीडर जेरी को जान से मार देगा, इसीलिए वो तुरंत ही निकल पड़ता है अपने एक दोस्त के पास जिसका नाम कैल होता है। कैल के पास एक अजीब तरीके की फैक्ट्री थी जहाँ पर वो अलग अलग हथियार बनाया करता। निकोलस तुरंत ही कैल के पास पहुंचकर कहता है कि मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जिससे कि मैं कल्ट के मेंबर्स के साथ लड़ाई करूं और उन्हें खत्म कर दूं। निकोलस ने तो कैल को सारी बातें बताई कि किस तरीके से उन लोगों ने मेरी वाइफ को जिंदा जला दिया, वो भी मेरी आंखों के सामने, और मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं निहत्ता था। यहाँ पर अब निकोलस कैल से एक बात पूछता है कि वो सारे कल्ट के मेंबर्स क्या रियलिटी में शैतान हैं? तभी कैल ने इसका जवाब दिया कि वो शैतान बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि वो इंसान ही है लेकिन उन्हें एक अजीब तरीके का ड्रग देकर पूरा कंट्रोल कर लिया गया था। एक तरीके से वो इंसान है और इंसान नहीं भी है, पर अब निकोलस चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को छोड़ने नहीं वाला था। निकोलस खुद अपने लिए एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनाता है और इतने सारे वेपन्स अपने पास रखता है जिससे कि उन सारे लोगों को मारा जा सके। कई दिनों तक उसने बहुत मेहनत की और अपने लिए एडवांस हथियार बनाए, और अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद वो निकल पड़ा था जंगल की तरफ उन कल्ट के मेंबर्स को धीरे धीरे मारने के लिए। सबसे पहले निकोलस के पास एक क्रॉसबो होती है जिसके अंदर उसने एक नुकीला तीर डाला और फायर कर दिया कल्ट ग्रुप के एक मेंबर की तरफ। हालांकि एरो डायरेक्टली जाकर उस कल्ट के मेंबर के ऊपर लग गई और वो नीचे गिरकर बहुत ही तड़प रहा था। तभी निकोलस ने डिसाइड किया कि वो अपनी कार की मदद से उसके ऊपर चढ़ जाएगा। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तभी अचानक वो कल्ट का मेंबर अपने हाथ से कुछ वाइब्रेशंस निकाल रहा था, यानी कि उस ड्रग को कंज्यूम करने के बाद इंसानों की बॉडी में कुछ अजीब तरीके की शक्तियां भी आ जाती थी। ये शक्तियां बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती और काफी खतरनाक होती हैं। निकोलस जब तक उसे मार पाता तब तक कल्ट के मेंबर्स वहां पर और भी जमा हो जाते हैं, जिन्होंने निकोलस को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लिया और अपने एक अड्डे पर लेकर चले आए। उनका मन कर रहा था कि वो निकोलस को जान से मार दे और वो आगे भी बढ़ते हैं, पर निकोलस यहाँ पर बहुत ही गुस्सा था। उसके मन में अभी भी
अपनी जलती हुई वाइफ दिखाई दे रही थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए निकोलस तुरंत ही उठता है और अपने आप को आजाद करते हुए उन सारी कल्ट के मेंबर्स को चुन चुन कर मारता है। निकोलस का ये बिहेवियर पहली बार देखा जा रहा था क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि उसे एक कैनिबल बनना पड़ा और उन सारे लोगों को वो इतनी बुरी तरीके से मार रहा था जैसे कि ये उसके लिए नॉर्मल बात हो। निकोलस ने एक एक करके उन सारे लोगों को खत्म किया। तभी उसे एक जार के अंदर वही लिक्विड मिलता है जिसे कि शॉन ने उन ग्रुप के लोगों को दिया था। दरअसल ये लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि वो अजीब तरीके का ड्रग होता है जिसकी वजह से वो उन ग्रुप के लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे एक अजीब तरीके के क्रिएचर्स में। निकोलस को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसीलिए उसने अपने हाथों में थोड़ा सा ड्रग लिया और उसे चाट लिया। तब जाकर निकोलस को रियलाइज होता है कि आखिर ये ड्रग क्या क्या कर सकता है। निकोलस को बहुत ही अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे और वो उसे कुछ समझ नहीं पा रहा था। कभी वो अपने आप को पूरा खून से लथपथ पाता है तो कभी वो एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। ये चीजें निकोलस को पहली बार एक्सपीरियंस हो रही थी जो उसके लिए एकदम अमेजिंग होती है। उसे अच्छा तो लग रहा था, साथ ही साथ कुछ ऐसे डरावने भी विजन्स आ रहे थे जो उसे अंदर से डरा कर रख देते हैं, जो उसे अंदर से हिला कर रख देते हैं। अब इन्हीं सारे विजन्स के दौरान निकोलस की मुलाकात केमिस्ट से होती है जिसने कि ये पूरा ड्रग क्रिएट किया था ताकि इंसानों को जानवर बनाया जा सके और वो हमारे इशारों पर काम करे किसी भी दूसरे इंसान को मारने के लिए। उस केमिस्ट को तो पता चल चुका होता है कि शायद निकोलस ने भी वो ड्रग कंज्यूम किया है, यानी कि वो भी उसके इशारों पर काम करेगा और जैसा बोला जाए वो वैसा ही करेगा। लेकिन उस केमिस्ट को क्या पता था कि निकोलस ने उस ड्रग की थोड़ी सी क्वांटिटी ली होती है, इसीलिए उसे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल था। साथ ही साथ ड्रग से मिलने वाली कई सारी पावर्स भी निकोलस के पास आ जाती है। उस केमिस्ट को तो लगने लगा कि शायद ये पूरी तरीके से कंट्रोल में है, इसीलिए उसने निकोलस को एड्रेस दे दिया था जेरी की फैमिली का जो फॉरेस्ट के अंदर रहा करते थे। निकोलस अब वहां से निकलते हुए सबसे पहले केमिस्ट को जान से मार देता है और फिर उनके घर में पहुंचते ही जान लेता है शॉन की, क्योंकि शॉन ने ही ये सारी चीजें शुरू की थी। उसने ही कल्ट के मेंबर्स को मैंडी के बारे में बताया और वो उसे पकड़ कर यहां लेकर आ गए। निकोलस ने तो शॉन के मुंह के अंदर कुछ ऐसे वेपन्स घुसा दिए जिससे कि वो तुरंत ही मारा गया। साथ ही साथ वो सामने आने वाले सारे मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरीके से खत्म करता जाता है। अब लगातार आगे बढ़ने के बाद हमें जेरी दिखाया गया जो कि अजीब जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। वो उन्हीं ब्लैक शक्तियों को फील कर रहा होता है जिससे कि उसे पावर्स मिलती थी। लेकिन तभी अचानक जेरी की मदर मैरिलिन का कटा हुआ सर वहां पर आकर गिर रहा था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि निकोलस ने ही मार कर वहां फेंका होता है। जेरी अपनी मदर की इस हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और उसे पकड़कर रोने लगा। लेकिन शायद अब काफी ज्यादा देर हो गई होती है क्योंकि उस जगह पर निकोलस आ चुका था जो बहुत ही गुस्से में होता है। निकोलस ने तो गुस्से में जेरी का सर पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। जेरी इतना ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि निकोलस की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। किसी भी इंसान की पकड़ इतनी मजबूत हो ही नहीं सकती, यानी कि सिंपल बात ये होती है कि निकोलस को ड्रग की मदद से काफी सारी पावर्स मिल गई। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि निकोलस ने ड्रग की क्वांटिटी सबसे कम ली होती है, इसीलिए उसे अपने बॉडी पर पूरा का पूरा कंट्रोल था। जेरी फिर भी अपने आप को बचाने के लिए निकोलस को भड़काता है कि तुम्हारी वाइफ मैंडी बहुत ही ज्यादा चंचल थी और उसकी नजर बाकी आदमियों पर भी होती है जो तुम्हें जल्द से जल्द धोखा देने वाली थी। दरअसल जेरी ट्राई कर रहा था कि वो निकोलस को इमोशनली ब्लैकमेल करे ताकि उसे मौका मिल जाए और वो निकोलस को मारकर यहाँ से भाग जाए, पर शायद ये सारी चीजें जेरी की गलत फहमी थी। निकोलस अब किसी की भी बात नहीं सुनने वाला था और उसे सिर्फ अपना बदला चाहिए। निकोलस ने जिस तरीके से जेरी का सर पकड़ा था वो अपना प्रेशर काफी बढ़ा देता है, जिसके बाद अगले ही मोमेंट में निकोलस ने जेरी का सर पूरी तरीके से तोड़ दिया। ये कुछ इस तरीके से होता है जैसे कोई लकड़ी टूट गई हो। जेरी का बहुत ही बुरा हाल हो गया था और वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। निकोलस ने अपने अंदर इतनी सारी पावर्स कभी महसूस ही नहीं की, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा गुस्सैल भी हो चुका था जो हो न हो उस ड्रग की वजह से हो रहा है। हालांकि उनका मेन लीडर तो मारा गया लेकिन अभी भी कल्ट के मेंबर्स बाकी होते हैं जिनके कैप्टन ने ही मैंडी को यहाँ पर लाया था, यानी निकोलस की जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। उसके सामने अभी एक लंबी जर्नी है जिसे कि उसे खत्म करके अपनी मरी हुई वाइफ का बदला लेना है। निकोलस ने तो उस पूरे टेंपल और घर के अंदर आग लगा दी ताकि सारे के सारे मेंबर्स मारे जाए और वो तुरंत ही वहां से निकल गया। निकोलस जब अपनी गाड़ी में बैठता है तभी उसे मैंडी के विजन्स आ रहे थे। वो दोनों तो एक दूसरे को लगातार देखते ही जा रहे थे जिससे ये पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार था। मैंडी की आंखें बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और निकोलस भी एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी अचानक उसने अपना फेस मिरर के अंदर देखा तो पता चलता है कि उसका पूरा फेस खून से लगा हुआ है और तो और उसे इतने ज्यादा डैमेज हुए थे कि वो सोच नहीं पा रहा था। अचानक अब निकोलस को कुछ अजीब तरीके के विजन्स
आने लगी जिसमें कि कई सारे प्लैनेट अर्थ की तरफ आते हैं। ये सीन इतना ज्यादा खतरनाक और रियलिस्टिक लग रहा था कि निकोलस उसे समझ नहीं पाता कि ये रियलिटी है या फिर ड्रग की वजह से उसे नशा चढ़ रहा है। साथ ही साथ वो अपनी मरी हुई वाइफ को भी इमेजिन करता है कि जिस तरीके से उसकी वाइफ अजीब तरीके की एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग बनाया करती थी। वो सारे ड्राइंग्स निकोलस को अभी भी याद होते हैं कि किस तरीके से मैंडी ने निकोलस की पेंटिंग बनाई थी और उसके साथ एक शेर भी बनाया होता है। यानी कि मैंडी को ये पूरा भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए निकोलस उसे कभी होने नहीं देगा और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक तरीके से मैंडी ने प्रेडिक्शन कर ली होती है कि शायद उसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला था, पर वो इस तरीके से फ्यूचर तो बदल नहीं सकती। इसीलिए मैंडी ने निकोलस को कुछ भी नहीं बताया और जो चीजें होनी चाहिए थी उसे होने दी। अब यहाँ निकोलस काफी इंडिपेंडेंट बन चुका है जो कि अकेला भी रह सकता था। उसके अंदर तो फीलिंग्स नाम की अब कोई भी चीज जिंदा नहीं बची थी मैंडी के सिवा। निकोलस के सामने तो एक बहुत ही बड़ी जंग थी जिसे कि उसे खत्म करना था और अपनी वाइफ के मरने का बदला जो लेना था। लेकिन यहाँ पर एक बात निकलती है कि ये सारी चीजें जो निकोलस के साथ हुई ये क्या रियलिटी में हो रही थी कि नहीं, क्योंकि इस पूरी कहानी का रिलेशन उस अजीब तरीके के ड्रग से जुड़ा हुआ है जो कंज्यूम करने वाले किसी भी इंसान के दिमाग में बहुत ही केमिकल इम्बैलेंस कर सकती थी और इस इम्बैलेंस के कारण वो कुछ भी सोच सकता है और किसी भी टाइप की इमेजिनेशन के अंदर घुस सकता है। ये इमेजिनेशन उसे रियलिटी से एकदम अलग कर देती है और कैसे भी कैरेक्टर्स उसके सामने पेश करके ये शो कर सकती है कि यही रियलिटी है। पर अब इन सारी चीजों को देखकर ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार जेरी के पास वो अनोखा पत्थर कौन सा था। वो स्टोन और कुछ नहीं बल्कि किंग एब्राकस का होता है जो इजिप्ट का एक बहुत ही एंशियंट डेविल था। एब्राकस नाम के शैतान का वो स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके पास में आने वाला हर एक इंसान उसके काबू में हो जाता। तो शायद ये हो सकता है कि एविल एब्राकस का जो स्टोन था वो जेरी के पास होने के कारण जेरी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था। तभी जेरी एकदम अजीब तरीके की बातें करता और ये कहता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और सभी मेरे अंडर काम करते हैं। यही सारे सेम वर्ड इविल एब्राकस भी कहते थे जो कि जेरी कर रहा है। यानी कि एब्राकस के कहने पर जेरी उन सारी चीजों को परफॉर्म कर रहा था और न्यू डाउन जो कि कल्ट के सारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो भी इन्हीं सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि उन सारे लोगों को नशे में खुद ही रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो किसके कंट्रोल में हो चुके हैं। इसी मौके का फायदा जेरी ने उठाया और अपने वो सारे काम कराता था। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल उठ कर आता है कि निकोलस जिसने कि वो थोड़ा सा ड्रग पी लिया था वो जो भी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो रियलिटी है भी कि नहीं। पर जैसे ही उन लोगों ने निकोलस की वाइफ को मार दिया तो इसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया था। इसीलिए निकोलस ने सारे लोगों को जान से मार दिया और यहाँ तक कि उसके अंदर कल्ट मेंबर्स की पावर्स भी आ चुकी थी। इसका अंदाजा हम उस तरीके से लगा सकते हैं कि निकोलस ने जेरी का सर बड़ी आसानी से तोड़ दिया जैसे कि ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो, और अब वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है अपना बाकी का रेवेंज लेने के लिए। और हमारी ये शॉकिंग कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।